बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा जो हमेशा से ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। प्रियंका इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रही हैं। हाल ही में प्रियंका को कई बार निक जॉन्स के साथ देखा गया, जिससे मानो लग रहा है कि प्रियंका और निक के बीच कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाल ही में प्रियंका बेहद ही जल्द जहां बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं और अपने हुस्न के जलवे एक बार वो फिर से बिखेरती दिखेंगी, तो मानो ऐसा लग रहा है कि प्रियंका के भाव बढ़ गए हैं, क्योंकि मैडम प्रियंका जो हैं वो हाल ही में हॉलीवुड से अपने हुस्न के जलवे बिखेर के आई हैं। तो वहीं ऐसा ही कुछ उनका मानना है कि वो बी टाउन में भी काफी ज्यादा अपना एटीट्यूड दिखाती दिखेंगी। दरअसल हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको बता दे हाल ही में खबर है कि प्रियंका फिल्म भारत के लिए 12 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है। जी हाँ, जो यकीनन काफी ज्यादा है और डायरेक्टर ने जब ये बात सुनी तो उनके होश उड़ गए। साथ ही साथ प्रियंका का ये भी कहना है कि अगर उन्हें सलमान के अपोजिट जो रोल मिल रहा है वो सलमान की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो ये फिल्म नहीं करेंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रियंका जो है वो अपनी हॉलीवुड इमेज को खराब नहीं करना चाहती। मतलब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि डायरेक्टर उनकी इस डिमांड को फुलफिल करते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट टाइम न्यूज रूम की रिपोर्ट।